बोल खाटू नरेश की जय। आइए आज हम आपको यात्रा कराएंगे राजस्थान के खाटू धाम की, जहाँ पर श्री खाटू नरेश जी का शीश प्राप्त हुआ था। यहाँ पर दो कुंड हैं, एक है महिला का कुंड और दूसरा है पुरुष का कुंड। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये पुरुष का कुंड है, जो कि बाद में निर्मित कराया गया था, लेकिन जो महिलाओं का कुंड है वो स्वयं निर्मित है, यानी कि उसी जगह पर खाटू श्याम जी का शीश प्राप्त हुआ था। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पुरुष कुंड, और आइए अब हम आपको दिखाते हैं महिलाओं का कुंड। चलिए चलते हैं, यात्रा करते हैं अपने महिला कुंड की ओर। ये देखिए, ये यहाँ का मार्केट है, और स्त्री जो महिला का कुंड है और पुरुष का कुंड है वो दोनों अलग अलग जगह बने हुए हैं, और बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा दूरी पर नहीं है, थोड़ी सी 5 मिनट की ही दूरी पर है। और ये है उसका मेन गेट, यहाँ रश बहुत है इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो आइए, ये रहा मेन गेट, और इससे हम अंदर एंटर होते हुए अब चलते हैं महिला कुंड की ओर। जैसे हम जा रहे हैं इसके सीधे हाथ पर ही सीढ़ियाँ हैं, नीचे उतरते ही हमारा महिला का कुंड नज़र आ जाएगा। ये देखिए, रश बहुत था भाई, बहुत था उस दिन, लेकिन हमें दर्शन बहुत ही अच्छे से प्राप्त हुए। अब देखिए, जो आपको दिखा रही हूँ अपने राइट हैंड पर, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसी में ही खाटू श्याम जी का शीश प्राप्त हुआ था। ये भी हमें पहले ही पता नहीं था, हम 2-3 बार आ चुके थे, लेकिन ये इसी टाइम हमने दर्शन किए थे। हम पहले भूल गए थे, हम सोच रहे थे एक ही कुंड है, लेकिन किसी ने हमें बाद में बताया, तो फिर हमने अब प्लान किया कि हम चलते हैं और दर्शन करते हैं खाटू श्याम जी के। ये रहा जो नीली बाल्टी है ना, इसके बराबर में जो कुंड दिखाई दे रहा है उसके अंदर ही हमें शीश प्राप्त हुआ था। इस पवित्र जल की हम छींटे लेते हैं और दर्शन करते हैं पवित्र कुंड के, सोचा कि आपको भी दर्शन करा दें। ये रहा साइड में हमारी माता जी हैं, साथ में आई हैं ये हमारी बहन जी हैं। बहुत ही आराम से हम चल रहे थे ताकि फिसल ना जाए, गीला बहुत हो रहा था। ये रहा जिसका हमें इंतज़ार था, जल बहुत ही निर्मल है, बहुत ही साफ था। जय खाटू श्याम जी की जय हो। मतलब कि आज मुझे इतना अच्छा लग रहा था इनके दर्शन करके, मतलब कि जो हम पढ़ते थे, लोगों से सुनते थे, आज हम उसका दर्शन कर रहे थे, असीम शांति मिल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि एक चमत्कार से कम नहीं था कि हम इसके दर्शन कर रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ खाटू श्याम जी का शीश प्राप्त हुआ था, और खाटू श्याम जी के भी हम आपको दर्शन कराएंगे, जो शीश प्राप्त हुआ था उसके दर्शन भी कराएंगे। पहले आप पवित्र कुंड के दर्शन कीजिए, जैसे कि हम अपनी अंजलि में लेकर उसको अपने ऊपर डाल रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था कि ये पवित्र जल हमारी आत्मा को भी शुद्ध कर रहा है, जो हम अंदर से इतने मैले हो चुके हैं ना कि उसे धोना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ये पवित्र जल जो है कुछ तो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है। कुंड के साइड में ही पंडित जी बैठे हुए थे जो कि अमृत पान करा रहे थे, यानी कि जो वो निर्मल जल है, स्वच्छ जल है, जो कि अमृत समान है, उसका हमें जलपान करा रहे थे। और फिर हम चलते हैं अपने खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए, जो कि जो हमने आपको बताया था कि जो शीश प्राप्त हुआ था ना, उसके दर्शन भी हम आपको कराएंगे। हमारी माता जी आज बहुत प्रसन्न हो रही थी, हमारी दीदी जी है नंद जी हैं, बहुत प्रसन्न हो रही थी खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए, उत्साहित ही बहुत। आइए हम आपको भी खाटू श्याम जी के दर्शन कराते हैं। चलिए अब हम सीढ़ी से भागते हुए खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे। जल्दी जल्दी हम भागे और राइट हैंड पर खाटू श्याम जी का दर्शन करते हैं। यहाँ भी बहुत भीड़ थी, तो जिसका हमें इंतज़ार था वो अब हमारे सामने है, श्री खाटू नरेश जी। ये खाटू नरेश जी भी श्री श्याम बाबा जिनका नाम है, ये नाम भी श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत काल में, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, तब उन्होंने अपना नाम स्वयं श्री बाबा जी को दिया था। यानी कि इनका जो मेन नाम है, असली नाम है, वो वर्वरिक है, जो कि महाभारत काल में चेंज कर दिया गया था। और चेंज किसने किया था, वो हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ने किया था, क्योंकि उन्होंने अपना शीश काट कर श्री कृष्ण भगवान को अर्पित किया था। उसके बदले में ही श्री कृष्ण भगवान ने अपने सारे समस्त शक्तियाँ और स्वयं अपना ही नाम उनको प्रदान किया था।
खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद ही हमें हनुमान जी के दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ और वहाँ हमने अपना धागा बनवाया यानी कि कलावा बनवाया और उसके पश्चात हम जो मेन खाटू श्याम जी हैं उनके दर्शन करने के लिए फिर से चल दिए। हमने अपने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और जल्दी जल्दी चलते हुए हम अपने पहुँच गए हैं अपने गंतव्य की ओर यानी कि खाटू नगरी की ओर। खाटू नगरी की ओर तो हम पहुँच ही गए थे पहले ही, लेकिन उसकी गलियों से निकलते हुए हम अपने खाटू धाम यानी कि स्वयं श्री बाबा जी की दर्शन के लिए आ गए हैं। वहाँ हमने उनके लिए सुंदर सुंदर कलियाँ, ये गुलाब की कलियाँ हमने खरीदी थी ताकि उनको हम अपना कुछ तो ले जाना चाहिए ना। हाँ, हमने थोड़ा सा प्रसाद लिया और कलियाँ ली, अपनी फूल लिए और भगवान के दर्शन के लिए चल दिए। अच्छा आओ, हाँ बिल्कुल आ जाओ, निकलो साइड में, निकलो निकलो आगे निकलना है। जैसा कि आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि यहाँ पर खाटू नरेश के श्री बांके बिहारी जी के बहुत ही अच्छे अच्छे जयकारे लग रहे थे, तो सुनने में बहुत ही आनंदित कर रहे थे, बहुत ही अच्छा माहौल था वहाँ का। मन कर रहा था कि यहीं रुक जाओ, सुबह शाम दर्शन करो, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, हम और काम भी देखने हैं। लेकिन बाबा जी के दर्शन के लिए कैसे ना कैसे हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अरे ऊपर से चलूं क्या? किधर चल रहे हैं? उस तरफ चल रहे हैं, रॉन्ग वे में आ गया। पहले ही बाईपास बना रखा है। अच्छा अच्छा, अब लोग बाईपास से खाटू नरेश जी का गर्भगृह जहाँ पर उनका शीश स्थापित है, वहाँ के हमने दर्शन किए, लेकिन यहाँ पर ग्राफिंग फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, तो हमने ऑफ करके फिर बाहर आए, लेकिन यहाँ पर भी मना कर रहे थे, फिर हमने अपना कैमरा ऑफ कर लिया। धर्मशाला में आते ही तैयार था हमारा ब्रेड पकौड़ा, पोहा, चाय और सॉस, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ और अच्छी सी लगी। उन्होंने हमसे बोला कि आ भगवान जी का भोग लगाइए, तो हमने राधा कृष्ण गणेश जी और हनुमान जी का भोग लगाया। ये भी बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने सारे लोगों के होते हुए भी हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान जी को हम भोग लगाएं, उसके बाद प्रसाद पाएं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। राधा कृष्ण जी, अच्छा इनकी जैसे ही हम लोग नहा धोकर आए ना, नीचे आरती हो रही थी, तो हमने आरती के दर्शन भी किए, आरती ली पूरी, पूजा फिर की, सोच रहे थे कि पूजा वूजा कैसे करेंगे, लेकिन भगवान जी खाटू नरेश जी सबका इंतज़ाम करते हैं, उन्होंने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा था, और हमने हमारे परिवार ने सब ने खाटू श्याम जी की, राधा रानी की, बांके बिहारी जी की, कृष्ण जी की, कोई भी नाम ले ले, सब एक ही नाम है उनके, कितने भी नाम ले ले, अनेक में एक हैं, एक में अनेक हैं, जो भी इनका नाम ले, खाटू नरेश जी, गणेश जी, ठीक है, इन सब के हमने आरती की और आरती करके हमने इनका भोग वगैरह लगाया, बहुत ही अच्छा लगा।
दस वाली पाँच ये है तो सब है तुम लोग सोचा कि थोड़ा सा जलपान ग्रहण कर लें तो हमने मंदिर से आके फिर अपना थोड़ा सा खाया पिया यहाँ पर पोहा ब्रेड पकौड़ा सॉस और चाय का आनंद लिया। चाय नाश्ते के बाद हमने सोचा कि जिन्होंने प्राप्त हुआ था उनके दर्शन कर लिए जाए। उनकी समाधि यहाँ स्थापित की गई है ठीक है। तो सपने में आकर श्री कृष्ण जी ने खाटू श्याम जी ने स्वयं बोला कि मैं यहाँ पर हूँ मुझे यहाँ से निकालो मुझे स्थापित करो। तो जो वहाँ के उस समय के महाराज थे ठीक है राजा थे उन्होंने सपने में जो देखा गया उसी जगह पर स्थान पर गए उनका शीश वहाँ से खुदाई में प्राप्त किया गया जो कि आज खाटू नरेश जी के नाम से जाना जाता है। यही वो शीश स्थापित करा गया है इसी मंदिर के हम दर्शन करने आते हैं। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा खाटू श्याम जी के दर्शन उनकी नगरी आपको कैसी लगी।